नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। बिहार में मौसम विभाग का फिर से बड़ा अलर्ट, दरभंगा सहित जगह जगह भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण पटना सहित पूरे राज्य में जगह जगह बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति अगले 5 दिनों तक बनी रह सकती है। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि बिहार में समय से एक दिन पहले आए दक्षिण पश्चिम मानसून का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में अगले 5 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, यानी अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। इसी के साथ विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। बता दें कि राजधानी पटना और दरभंगा समेत ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मानसून की सक्रिय रहने और बारिश के आसार है। इसके बाद भी 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। इधर दरभंगा में हो रही रुक रुक कर भारी बारिश के कारण दरभंगा शहर के कई इलाके किसी झील या तालाब सा हो गया है। खासतौर पर दरभंगा के टावर से लेकर सुंदरपुर के इलाके बरसात के पानी से तालाब बन चुके हैं। जिले में पिछले कई दिनों से भारी बारिश और ठनका गिरने और डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घनश्यामपुर में तो कमला बलान के नदी के जल स्तर में भारी बारिश के कारण 2 फीट की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में मौसम विभाग की बड़ी अलर्ट और दरभंगा में भारी बारिश से पहले से जल जमाव के कारण शहर टापू बन चुका है। अब भारी बारिश हुई तो शहर की स्थिति हद से ज्यादा बदतर बन जाएगी।